बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है इस वेज पुलाव से। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है। मैंने इस वेज पुलाव को रायता के साथ सर्व किया था। तो चलिए बनाते हैं इसे। एक कुकर में सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लेना है। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले और तेज पत्ता। खुशबू आने तक भून ले इसे। लंबे बारीक कटे प्याज को भी भून लेना है हमें। अब डालेंगे कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गोभी को मैंने गर्म पानी में 30 सेकंड के लिए बॉईल कर लिया था। लंबे कटे आलू भी डालेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। 3 से 4 मिनट के लिए इन सबको भून लेना है। इस वेज पुलाव में आप अपनी मनपसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। गोभी और आलू को अगर आप अच्छे से भूनोगे नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा इस पुलाव में। चावल को मैंने धो के छन्नी में 1 घंटे के लिए रख दिया था। चावल में थोड़ा सा भी पानी रहा तो पुलाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए चावल को भी इन मसालों में भून लेंगे। 1 कप चावल में 1.5 कप पानी डालेंगे। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला पाउडर, 10 से 15 बूंदे केवड़ा वाटर का, जो इस पुलाव को जबरदस्त फ्लेवर देगा। थोड़ा सा नमक और स्प्रिंकल करूंगी मैं यहाँ पे। साथ में रखेंगे मोटे कटे टमाटर और फ्लेवर्स को बढ़ाने के लिए पुदीना के पत्ते भी डालेंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी और लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। कुकर से प्रेशर खुद ही निकलने देंगे और गर्मा गर्म इसे इंजॉय करेंगे।